से गाइस आज देखेंगे कि फाई मनी का जो बैंक अकाउंट है या जुपिटर का जो बैंक अकाउंट है, उन दोनों में कौन सा बैंक अकाउंट बेस्ट है हमारे लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, एक नहीं दो नहीं पूरे पांच मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, जो चार्जेस होते हैं इनके हिडन चार्जेस, इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप एक एक पॉइंट को देखने के बाद समझ में आपके आ जाएगा कि किस बैंक में आपको अकाउंट ओपन कराना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अगर आप फेडरल बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, मतलब आपका फेडरल बैंक में आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी है, तो आप फाई मनी में अकाउंट ओपन करा सकते हैं और जुपिटर में नहीं करा सकते हैं। जुपिटर में तभी आपका अकाउंट ओपन होगा जब आपका फेडरल बैंक में जो अकाउंट है उसका केवाईसी कंप्लीट नहीं रहेगा, तो आप जुपिटर में अकाउंट ओपन करा सकते हो, वरना आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा जुपिटर में। और अगर आपका फेडरल बैंक में अकाउंट केवाईसी है, उसके बाद भी फाई मनी में आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो बात आती है कि जीरो बैलेंस अकाउंट, तो दोनों फाई मनी भी जुपिटर भी दोनों भी जीरो बैलेंस अकाउंट है। इंटरेस्ट रेट दोनों में 2.5% का पर ईयर होता है, सेम होता है दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो दोनों में क्या रिस्ट्रिक्टेड है वो देखते हैं। तो फाई मनी में कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जबकि जुपिटर में 2 लाख रुपए की लिमिट होती है, मंथली 1 लाख रुपए लिमिट होती है अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है। और फाई मनी में अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आपकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर वर्चुअल डेबिट कार्ड की बात करते हैं, तो फाई मनी और जुपिटर में दोनों में वर्चुअल और प्लस फिजिकल कार्ड आपको आपके एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाता है। अब बात करते हैं कि फेडरल बैंक में फेडरल बैंक का जो ऑफर चलता रहता है, तो क्या वो फाई मनी में भी मिलेगा और जुपिटर में भी मिलेगा। तो फेडरल बैंक में जो ऑफर चलता है वो फाई मनी में आपको मिलने वाला है, जुपिटर में नहीं मिलता है। जुपिटर में बहुत कम ऑफर फेडरल बैंक के एक्सेप्ट होते हैं, जैसे कि फेडरल बैंक में 10% का कैशबैक चलता है तो फाई मनी में मिलेगा, जुपिटर में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड जो चार्जेस होते हैं इनके, तो जब आपको पहला के जब डेबिट कार्ड आपको भेजते हैं तो फाई मनी में भी कोई चार्जेस नहीं है और जुपिटर में भी कोई चार्जेस नहीं है। जब आपका वो डेबिट कार्ड लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, टूट जाता है, तो आप फिर से डेबिट कार्ड जब आप मंगाते हो तो फाई मनी और जुपिटर दोनों में कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन जब एक से ज़्यादा बार आप फिर सेकेंड बार आप डेबिट कार्ड आप मंगाते हो तो फाई मनी में 250 रुपये चार्ज लगता है, जुपिटर में मेंशन नहीं किया गया है बट 250 रुपये उसमें भी चार्ज लगेगा। और ईयरली चार्जेस डेबिट कार्ड के दोनों में कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। और फिर ट्रांजेक्शन फी, इफ़ यू यूज़ फेडरल बैंक एटीएम, अगर आप फेडरल बैंक में कैश विड्रॉ करते हो फाई मनी से तो भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा, जुपिटर से करते हो तो भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा, बट ट्रांजेक्शन फी इफ़ यू अदर एटीएम में जाकर आप करते हो तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री है एक मंथ में, दोनों में सेम है। और 5 के बाद आप जब ट्रांजेक्शन करते हो तो 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन पे लगते हैं और 10 रुपये मिनी स्टेटमेंट पे आपको लगने वाले हैं। तो ये सेम है जो डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं, यहाँ तक तो दोनों में एकदम सेम है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल जो डेबिट कार्ड के चार्जेस होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है दोनों कार्ड में। तो यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल एटीएम जो चार्जेस होते हैं फाई मनी में 100 रुपीज़ पर कैश विड्रॉ पे लगेगा, वहीं पे जब जुपिटर में आप कैश विड्रॉ करते हो बाहर इंडिया के बाहर जाकर तो 100 रुपये और प्लस 3.5% फॉरेक्स चार्जेस लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। और फॉरेक्स चार्जेस डेबिट कार्ड फाई मनी में वेव ऑफ है, नहीं लगता है, और जुपिटर में 3.5% है। और बैलेंस चेक आप अगर करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो इंडिया के बाहर जाकर, तो 25 रुपये पर
इंक्वायरी लगेगी दोनों में, फाई मनी में भी जुपिटर में भी। और ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है अगर आप एटीएम में जाकर अपना पैसा निकालते हो और आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते हैं तो जो डिक्लाइन होता है। तो अगर आप फेडरल के एटीएम में हैं तो दोनों में ना जुपिटर पे चार्जेस लगने वाला है ना फाई मनी पे। बट अगर आप अदर एटीएम से पैसा निकाल रहे हो और आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है तो आपको 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन दोनों पे लगने वाले हैं, फाई मनी में भी और जुपिटर पे भी। तो दोनों में सेम चार्जेस लगने वाले हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट अगर आप NEFT, RTGS या UPI करते हो तो फाई मनी में भी कोई चार्जेस नहीं है, जुपिटर में भी कोई चार्जेस नहीं है। बट अगर IMPS आप करते हो तो फाई मनी में कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है, बट जुपिटर में 5 ट्रांजेक्शन तक आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। पर जैसे आप 6th ट्रांजेक्शन करोगे तो अगर 1,000 के अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो चार्जेस नहीं लगेगा, बट अगर 1,000 से 1,00,000 के बीच में आप ट्रांजेक्शन करते हो तो पर ट्रांजेक्शन पे आपको 5 रुपये लगेंगे। और 1,00,000 से 2,00,000 के बीच में अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो पर ट्रांजेक्शन पे आपको 10 रुपये लगने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा ये, क्योंकि हम लोग हमेशा IMPS करके ही ट्रांसफ़र करते हैं कि तुरंत पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं। तो यहाँ पे जुपिटर पे चार्जेस लगेंगे और फाई मनी पे कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। फिर चेक बाउंस चार्जेस, तो जब हमारा चेक बाउंस हो जाता है तो कितने चार्जेस लगते हैं, फाई मनी पे दिखाया गया है जबकि जुपिटर में भी मेंशन नहीं है, बट जुपिटर पे भी सेम रहेगा। तो फर्स्ट टाइम में जब आपका चेक बाउंस होता है तो आपको 125 रुपये लगेंगे, सेकंड टाइम आपका चेक बाउंस होता है तो 250 रुपये लगेंगे, और थ्री और मोर टाइम, 3 से ज़्यादा बार भी अगर होता है तो 500 रुपये लगेंगे पर चेक बाउंस पे। और ये 3 महीने का साइकिल होता है, 3 महीने के बाद ये रीसेट हो जाता है। तो 3 महीने के अंदर जितनी बार आपका चेक बाउंस होगा वो कैलकुलेट होगा। और जुपिटर पे अभी मेंशन नहीं है बट सेम रहेगा, उसमें भी यही चीज़ रहेगी, चेक बाउंस चार्जेस सेम ही रहेंगे। फिर अकाउंट क्लोजर चार्जेस होता है, फाई मनी में कोई भी अभी मेंशन नहीं किया गया है जबकि जुपिटर में है कि क्लोजर आप अगर बैंक में जाके 6 महीने के अंदर अपने अकाउंट को क्लोज कराते हो तो आपको 100 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर आप 6 महीने के बाद और 12 महीने के अंदर आप अपना अकाउंट को क्लोज कराओगे तो 300 रुपये चार्जेस लगने वाला है। और अगर 1 साल के बाद यानी 12 महीने के बाद आप अगर अपना अकाउंट को क्लोज कराओगे तो कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। और नीचे है नोट, नो चार्जेस इफ द अकाउंट इज क्लोज विद इन 14 डेज, मतलब कि आपने जुपिटर अकाउंट को ओपन किया आज से लेके 14 दिन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट को क्लोज कराते हैं तो भी कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों बैंक अकाउंट में। मेरे हिसाब से फाई मनी बेस्ट है, इंटरनेशनल ये ट्रांजेक्शन है इसमें, इसमें फॉरेक्स चार्जेस भी नहीं लगते हैं और IMPS पे भी इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं।